गोरखपुर जिले में रविवार को पिछले 24 घंटे में 248 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, वहीं दो संक्रमितों की मौत हो गई है। अब गोरखपुर में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5,447 हो गई है। इनमें 86 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,079 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, वह स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। वहीं 1,781 लोग होम आइसोलेशन में हैं। ज़िले में अभी भी 2,501 कोरोना पॉजिटिव मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों में शहरी क्षेत्र में 126 और ग्रामीण में 103 सहित अन्य 19 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि रविवार को पाए गए नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों में सदर क्षेत्र के शाहपुर थाना क्षेत्र में 33, गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 14, राजगढ़ थाना क्षेत्र में 12, तिवारीपुर थाना क्षेत्र में 7, कैंट थाना क्षेत्र में 27, कोतवाली थाना क्षेत्र में 12, रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र में 14, चिलवा ताल थाना क्षेत्र में 2 और गुलरिया थाना क्षेत्र में 5 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में भटहट में 1, बांसगांव में 13, बेलघाट में 3, ब्रह्मपुर में 7, कैंपियरगंज में 1, चरगावा में 8, गोला में 1, जंगल कौड़िया में 7, बड़हलगंज में 1, कौड़ीराम में 8, खजनी में 1, पिपरौली में 3, सहजनवा में 4, पिपराइच में 4 और सरदार नगर में 19 सहित अन्य 19 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इसकी जानकारी सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने दी है। उन्होंने बताया कि नए पाए गए कोरोना संक्रमित मरीजों के परिजनों की कोरोना की जांच कराई जाएगी, साथ ही इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर सैनिटाइजेशन का कार्य कराने के आदेश दिए गए हैं। जो भी नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है।